यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि उम्र को किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन से लेकर आज तक आप कितने दिन, कितने महीना और कितने वर्ष के हुए, तो आप हमें कैसे बताएंगे। और न केवल अपना उम्र बल्कि आपसे किसी का भी उम्र निकालने को कहा जाए और उस व्यक्ति के जन्म तिथि को केवल आपको बता दिया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि इस दिन बताइए कि वह व्यक्ति कितना साल, कितना महीना और कितना दिन का हुआ, तो आप कैसे बनाएंगे। यह तो हो गया उम्र निकालने का सवाल। अब देखिए, जब आप उम्र निकालने जाएंगे ना, तो आपको दो तरह का प्रश्न मिलेगा। पहला इस तरह से प्रश्न मिलेगा ना, जिसमें ऊपर वाला सारा कुछ बड़ा रहेगा और नीचे वाला सारा कुछ छोटा रहेगा और यह आराम से घट जाएगा, इसको आप आराम से उम्र निकाल कर बता देंगे। लेकिन दूसरा आपको प्रश्न इस तरह से मिलेगा जिसमें ऊपर वाला यह दोनों दिन और महीना छोटा रहेगा और नीचे वाला जो दिन और महीना है ना, यह बड़ा रहेगा। तो फिर यहाँ पर आप इसको किस तरह से घटाएंगे और किस तरह से इस व्यक्ति का उम्र निकालेंगे। और साथ में देखिए, उम्र निकालते समय ना मुख्य रूप से अधिकांश लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत होता है कि यदि महीना मान लीजिए 28 दिन का हुआ या 29 दिन का हुआ या 30 दिन का हुआ या 31 दिन का हुआ, तो फिर हम महीना से कितना हासिल लेंगे। तो यह सब कुछ आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। और यदि आप इस सब कुछ अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से देखना है। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आपका यह सब सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी व्यक्ति का उम्र बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न बनाते हैं। तो देखिए, जिस भी व्यक्ति का उम्र आपसे कहा जाएगा निकालने को ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जिस दिन किसी व्यक्ति का उम्र निकालना है ना, उस दिन को आप लोग ऊपर में लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और हम यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति 25 तारीख 8वां महीना 2023 को कितना साल, कितना महीना और कितना दिन का हुआ। कहने का मतलब कि हम उस व्यक्ति का उम्र इस तिथि को निकालना चाहते हैं, या कोई भी तिथि हो सकता है, यहाँ पर आज के भी तिथि हो सकता है, कुछ साल पहले का भी हो सकता है और बाद का भी हो सकता है, आपका जो मन करे वह यहाँ पर कोई भी दिन हो सकता है। और नीचे में क्या रहेगा, तो नीचे में रहेगा उस व्यक्ति के जन्मदिन। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से रहेगा, पहले दिन रहेगा, फिर माह रहेगा, फिर वर्ष रहेगा। और आप इसको चाहे तो इधर से भी शुरुआत करके लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप इधर भी दिन, महीना और वर्ष लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं दिन, माह और वर्ष। लेकिन इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि जब भी लिखिएगा ना, आप उस व्यक्ति के जन्मदिन को नीचे में लिखिएगा और जिस दिन उस व्यक्ति का उम्र निकालना होगा ना, उस दिन को आप ऊपर में लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो देखिए, कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 15 तारीख 6वां महीना 2004 को, और हमें यह मालूम करना है कि यह व्यक्ति 25 तारीख 8वां महीना 2023 को कितना दिन, कितना महीना और कितना वर्ष का हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ऊपर में जिस तिथि को मालूम करना है कि यह व्यक्ति कितना साल का हुआ, उस तिथि को हमने ऊपर में लिख दिया है और उसके ठीक नीचे उस व्यक्ति के जन्मदिन को लिख दिया है। अब क्या करना है, इसे हमें घटाना है। और घटाने का काम किधर से करना है, तो इधर से करना है, जिधर दिन रहेगा ना उधर से ही घटाने का काम करना है। तो यहाँ पर इधर दिन है ना, तो इधर से हमें घटाने का काम करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें घटाना है, दिन में से दिन को घटाना है, महीना में से महीना को घटाना है और वर्ष में से वर्ष को घटाना है। तो देखिए, यहाँ पर 5 मले 5 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2 मले 1 घटेगा, 1 बचेगा। यह क्या आ गया है, यह दिन आ गया है, यह 10 आया है, ठीक। उसके बाद हम महीना मले महीना को घटाएंगे, तो देखिए 8 मले हम 6 घटाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। फिर इस तरह से चिन्ह है तो हम दे देते हैं। उसके बाद हमें वर्ष मले वर्ष को घटाना है, तो यहाँ पर देखिए 3 मले 4 तो घटेगा नहीं, तो 3 इससे हासिल लेगा तो यह हो जाएगा 13। अब हम 13 मले 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। इसके बाद यह पहले 2 था तो 1 इसको हासिल दे दिया है, तो अब यह बचा है 1। अब 1 मले 0 घटेगा, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। यह सेम अंक है तो 0 0 हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति का हम उम्र निकाल रहे हैं, वह व्यक्ति 25 तारीख 8वां महीना 2023 को 10 दिन 2 महीना और 19 साल का होगा, ठीक, या इतना का होगा, 10 दिन 2 महीना और 19 साल।
अब देखिए यहाँ पर यह वाला प्रश्न तो बहुत ही आसान था, इसको कोई भी व्यक्ति हल कर सकता है। यूं कहे यदि वन क्लास के लड़का को भी इसको दे दिया जाएगा तो वह भी किसी का भी उम्र इस तरह से रहेगा तो निकाल सकता है। लेकिन जो मुख्य रूप से दिक्कत होता है ना, वह दूसरा प्रश्न में होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए दूसरा प्रश्न में ना यह वाला दोनों आपको छोटा मिलेगा, इसमें देखिए यह दोनों आपको बड़ा मिल गया है, तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर घटा दिया है। लेकिन अब जो प्रश्न आएगा ना उसमें यह वाला दोनों छोटा मिलेगा और वहीं पर हमें समझना होगा कि महीना 28, 29, 30, 31 का होगा तो हम क्या करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है आपका दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न भी पहले वाले प्रश्न की तरह लिखा गया है, इसमें भी ऊपर में वर्तमान डेट है। कहने का मतलब कि जिस तिथि को हम किसी व्यक्ति का उम्र निकालना चाहते हैं उसको ऊपर में लिखा गया है और जो व्यक्ति का जन्मदिन है उसे नीचे में लिखा गया है। यहाँ पर व्यक्ति का जन्मदिन है 20 तारीख 7वां महीना 2000 और हम निकालना किस तिथि को चाहते हैं, तो हम यह चाहते हैं कि वह व्यक्ति 6 तारीख 4वां महीना 2023 को कितना दिन कितना महीना और कितना वर्ष का होगा। तो देखिए एक तो बात निश्चित है ना कि इसमें हमें घटाना है और घटाने का काम किधर से करना है, तो जिधर दिन रहेगा उधर से करना है। इस प्रश्न में भी ऊपर में वर्तमान डेट को लिखा गया है और नीचे में उस व्यक्ति के जन्म के दिन महीना और वर्ष को लिखा गया है। जिस तरह से पहले वाले प्रश्न में लिखा गया था ना, बिल्कुल उसी तरह से इस वाले प्रश्न को भी लिखा गया है। अब हमें यहाँ पर घटाने का काम करना है। लेकिन देखिए यहाँ पर घटाने में ही दिक्कत होगा। दिक्कत क्या होगा तो देखिए पहले वाले प्रश्न में दिन और माह दोनों बड़ा था। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यह पहला वाला प्रश्न है और इसमें दिन और माह दोनों बड़ा है और नीचे वाला दोनों छोटा है, यह आराम से घट गया। लेकिन यह वाला प्रश्न में देखिए आप इस वाले प्रश्न में आप देखेंगे तो पाएंगे कि दिन और माह दोनों छोटा है और नीचे वाला दिन और माह दोनों बड़ा है, तो इसे हम कैसे घटाएंगे। तो देखिए यहीं पर हमें मुख्य रूप से समझना है। अब यहाँ पर यह क्या है, यह है दिन। अब इस तरह से तो घटेगा नहीं क्योंकि 6 छोटा है और 20 बड़ा है। 6 मले 20 कब घटेगा, जब यह ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा तभी यह घटेगा। अब देखिए यहाँ पर दिन है ना, तो दिन के बगल में क्या है, देखिए दिन के बगल में क्या है, तो दिन के बगल में है महीना। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है उसको मदद लेना होगा तो वह किससे मदद लेगा, जो उसके करीबी होगा उसी से ना मदद लेगा। तो यहाँ पर दिन के करीबी में कौन है, दिन के करीबी में है महीना, तो यह दिन जो है ना महीना से हासिल लेगा। अब यहीं पर आपको मुख्य रूप से समझना है दिन क्या करेगा, दिन महीना से हासिल लेगा। अब यहाँ पर महीना कौन सा है, तो देखिए महीना है चौथा। तो यहाँ पर दिन महीना से हासिल मांग रहा है तो महीना कह रहा है कि ठीक है मैं तुमको हासिल दे दूंगा, लेकिन मैं तुमको ना पूरा का पूरा एक महीना हासिल दूंगा। महीना क्या कह रहा है दिन से, महीना यह कह रहा है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा लेकिन अपना पूरा का पूरा एक महीना तुम्हें दे दूंगा, ठीक। तब यह जो चौथा महीना है ना, यह अपना चौथा महीना इसे दे दिया है, अब यह बन गया है तीसरा महीना। कहने का मतलब इसमें से पूरा का पूरा एक महीना इसमें आ गया है। अब देखिए यहीं पर दिक्कत होता है अधिकांश लोगों का कि महीना जो होता है वह 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है, 30 और 31 दिन का भी होता है। तो फिर जब यहाँ पर यह महीना दिन को हासिल दे रहा है तो यह कितना हासिल देगा यह हम कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए हम इस तरह से पहले ना मुट्ठी बांधेंगे और गिनेंगे कि यह चौथा महीना इस पर आ रहा है। देखिए इस तरह से गिना जाता है 1, 2, 3, 4। देखिए और इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए जो महीना इस पर ऊपर में आता है ना वह महीना हमेशा 31 दिन का होता है और जो महीना नीचे में आता है वह 30 दिन का होता है। एक अपवाद में फरवरी ही ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का होता है, बाकी सब महीना 30 दिन का होता है, ठीक। तो देखिए क्या करना है, हमें मालूम करना है ना कि चौथा महीना कितने दिन का है तभी ना यह इसको हासिल देगा। तो देखिए हम इस तरह से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। नीचे में आ रहा है ना 4, तो इसका मतलब यह हुआ कि चौथा महीना 30 दिन का है। यदि यह ऊपर आता तो 31 दिन का होता, तो यह पूरा का पूरा एक महीना इसको दे रहा है तो दिन तो एक महीना इससे हासिल ले लेगा लेकिन यह दिन में ना हासिल लेगा, इसलिए यहाँ से 30 इसमें जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें 30 जुट जाएगा। तो देखिए यह पहले से 6 है और इसमें और 30 जुट गया है, तो 30 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा, तो यह बन जाएगा 36। क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा 36। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह बन गया है 36।
अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर घटाव का काम करना है ना, तो अब हमें 6 मले 20 को नहीं घटाना है, अब हमें 36 मले 20 को घटाना है। तो हम 36 मले 20 को घटाएंगे और यह घट भी जाएगा क्योंकि 36 बड़ा है और 20 छोटा है। तो देखिए 6 मले 0 घटेगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 3 मले 2 घटेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, 3 मले 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यह तो घट गया बहुत ही आसानी से, यह समझ में आया ना कैसे घटा। यह चौथा महीना है अपना, 1 महीना इसको हासिल दिया है, हमें केवल यह मालूम कर लेना है कि यह कोई भी महीना हो तो वह कितना दिन का हो, और जितना दिन का रहेगा उतना दिन इसमें जोड़ देना है दिन में। ठीक, अब हमें इसको घटाना है। देखिए तो यह वाला कैसे घटेगा, अब यह पहले 4 था लेकिन 1 महीना इसको हासिल दे दिया है, तो अब यह बन गया है तीसरा महीना। अब यह क्या बन गया है, तो अब यह बन गया है तीसरा महीना। इसको जरा समझिएगा, यह पहले 4 था लेकिन अब यह बन गया है तीसरा महीना। फिर दिक्कत हो गया यहाँ पर, 3 महीना मले 7 महीना तो घटेगा नहीं, तो फिर 3 को भी हासिल लेना पड़ेगा। 3 भी अपने पड़ोसी से मदद मांगा, 3 के करीबी में कौन है इधर, तो 3 के करीबी में है वर्ष। ठीक, तो 3 जो है ना अब वर्ष से हासिल मांगेगा, यानी कि महीना जो है वर्ष से हासिल मांगेगा। तो वर्ष कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें हासिल दे दूंगा, लेकिन मैं भी अपना पूरा का पूरा ना 1 वर्ष तुम्हें हासिल दूंगा। तो इसको तो हासिल लेना है किसी भी तरह से, तो यह 1 वर्ष ले लेगा इससे। अब देखिए यह 2022 है ना, तो अब यह बन जाए, नहीं यह 2023 है ना, तो 1 वर्ष यह इसको दे देगा, तो अब यह बन जाएगा 1 साल इसमें से कम हो जाएगा, तो अब यह बन जाएगा 2023 से 1 वर्ष कम होगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा 2022। क्या बन गया, तो अब यह बन गया है 2022। अब इस वाले को आप भूल जाइए, यह जो है ना 1 साल इसको हासिल दे दिया है, तब यह बन गया है 2022। अब यह क्या बना है, तो देखिए यह पहले से 3 है और इसमें 1 साल जुट गया। अब देखिए 1 साल में तो हमेशा 12 को महीना होता है, यह तो कम बेसी होता नहीं है, तो इसमें 12 जुट जाएगा। कहने का मतलब कि महीना जब भी वर्ष से हासिल लेगा ना, तो उसमें 12 जुट जाएगा। तो यह 3 पहले से हैं और इसमें 12 जुट गया, तब यह क्या बन गया है, तो 12 + 3 मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, इस 7 को इस 4 मले भी नहीं घटाना है और 3 मले भी नहीं घटाना है, इस 15 मले 7 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 15 मले 7 को घटाएंगे, तो यह क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से चिन्ह है, तो इस तरह से चिन्ह। अब यह जो 2000 है ना, इसे हमें किसमें से घटाना है, तो इसमें से 2022 मले घटाना है। तो देखिए 2 मले 0 घटेगा, 2 बचेगा, फिर 2 मले 0 घटेगा, क्या बचेगा, तो यह भी 2 बचेगा, 0 मले 0 घटेगा, 0 बचेगा, और 2 मले 2 घटेगा, यह भी 0 हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति का हम उम्र निकाल रहे हैं, वह व्यक्ति 6 तारीख 4 महीना 2023 को 16 दिन 8 महीना और 22 साल का होगा, यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म 20 तारीख 7 महीना 2000 को हुआ है, वह व्यक्ति 6 तारीख 4 महीना 2023 को 16 दिन 8 महीना और 22 साल का होगा। इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति का उम्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर घटाव में भी ज्यादा दिक्कत है नहीं, दिन हासिल लेगा तो यह महीना से हासिल लेगा, और महीना हमें इस तरह से मुट्ठी पर गिन लेना है कि कितना दिन का है, जितना दिन का महीना होगा उतना दिन इसमें जोड़ देना है दिन में, और महीना को जब भी हासिल लेना होगा तो महीना वर्ष से हासिल लेगा, और वर्ष हमेशा कितना महीना का होता है, तो यह होता है 12 महीना का, तो महीना में 12 जोड़ देना है और उसके बाद घटा देना है, और फिर आप किसी का भी उम्र बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप उम्र निकालना सीखे या नहीं। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।